तो एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो कि पिछले लेक्चर में इसके बारे में बता चुका था। वो क्या है आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे, है ना? तो ये है आज का टॉपिक, लोहा का निष्कर्षण, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल। ठीक है, तो आयरन को आप कैसे निष्कर्षण करोगे, किस अयस्क से करते हैं, ये बारे में बात किया जाएगा कि लोहा के कौन कौन से प्रमुख होते हैं और इन प्रमुख अयस्कों में किस अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोग राइट कर देता हूं, उसके बाद मैं पहले ध्यान से सुनना कम से कम 30 से 35 मिनट, तब उसके बाद मैं लिखवाना प्रारंभ करूंगा। ठीक है, एक बार दो बार समझाएंगे ताकि याद हो जाए। देखिए, निष्कर्षण को रटने से पहले जो याद करते हो उसको क्या करो कि वीडियो को आप लोग थोड़ा देखो, ध्यान से देखो, बार बार देखने का प्रयत्न करो, ऑलरेडी याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिटरेचर थोड़े लंबे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग करने की बहुत सारी प्रक्रिया, अलग अलग से प्रक्रियाओं से होकर गुजरता तब करते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग इसे ध्यान से पहले देखेंगे और तभी इसको आप लोग याद करने के लिए कोशिश करेंगे, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगी, मेमोराइज हो जाएगी, यार मैं गारंटी लेता हूँ, ये टेंशन नहीं। ठीक है, एक बार दो बार मैं समझाता हूँ, उसके बाद लिखवाने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, चलते बात करते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन पहले राइट करता हूं आप लोगों को। ठीक है, यहां से देखिएगा। ठीक है, लोहा के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखे तथा इसके प्रमुख अयस्क से अयस्क से लोहा का निष्कर्षण करें। कोई दिक्कत? ठीक है, देखना चाहिए, आप लोग देखेंगे। तो देखिए, लोहा के जो प्रमुख अयस्क जो होते, बात करें तो निम्नलिखित तीन, यहां निम्नलिखित होते हैं, मैं तीन मुख्य इसके अयस्क के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या क्या। पहला, लोहा के प्रमुख अयस्क जो होगा, वो प्रमुख अयस्क निम्नलिखित होते हैं। पहला नंबर एक में बात करें तो हेमाटाइट के नाम सुने, हेमाटाइट भी या हेमाटाइट बोलते, हेमाटाइट सूत्र होता है वही एल्युमिनियम की तरह, Fe2O3.2H2O, एल्युमिनियम का था Al2O3.2H2O। ठीक है, तो ये क्या है, लोहा का, लोहा में हेमाटाइट हो गया। नंबर दो मैग्नेटाइट, क्या है, मैग्नेटाइट की बात करें तो इसका होता है, ये दो है तो इसको कर लो तीन, ये तीन है तो इसको कर लो चार, दो के तीन, तीन के चार। ठीक है, मैग्नेटाइट। उसके बाद तीसरा जो होता वो सीडेराइट होता है, सीडेराइट का सूत्र होता है FeCO3। कोई दिक्कत है? एक बार फिर से समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा कि दो के तीन में H2O के दो अणु होते हैं, यानी Fe जब दो गो रहेगा तो ऑक्सीजन तीन गो रहेगा, जब ये फॉर्मूला रहेगा तो इसमें H2O क्या होंगे, H2O के दो मॉलिक्यूल होंगे, ये कहलाएगा हेमेटाइट। मैग्नेटाइट में बस क्या होता है, यहाँ जितना होता है उसमें एक वृद्धि कर लो, यहाँ जो होता है एक वृद्धि, इसमें जल नहीं होता, अर्थात Fe देखो यहाँ दो है तो यहाँ तीन हो गया, तो Fe3, यहाँ तीन है ऑक्सीजन तो यहाँ चार हो गया, Fe3O4। और ये क्या है, Fe CO3
यानी फेरस कार्बोनेट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात कहोगे कि सर कैसे कैसे करोगे, तो मेरे बात को पहले गौर से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। लोहा के निष्कर्षण जो करते हो, लोहा के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट से किया जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। लोहा का निष्कर्षण जो करते हो, लोहा के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट से करते हैं। कई बार एग्जाम से पूछ चुके हो, मैट्रिक हो या इंटर हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। अब ये बात है कि सर करोगे कैसे। देखो इसमें मॉलिक्यूल क्या है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल तुम्हें दिखाई दे रहा है इस सूत्र में। सबसे पहले इसको निकालना होगा। तो आप जानते हो हाइड्रेट और कार्बोनेट जैसे अयस्कों का निस्तापन की क्रिया कराया जाता था, सांद्रित करने के लिए, याद होगा, है ना मुन्ना। तो सबसे पहले तुम लिखोगे क्या चीज, यही बात कि लोहा के निष्कर्षण लोहा के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट से किया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम हेमाटाइट अयस्क को निस्तापन की क्रिया कराई जाती है, बोलो, निस्तापन की क्रिया कराई जाती है या निस्तापन की क्रिया कर क्या चीज, शुष्क हेमाटाइट अयस्क प्राप्त किया जाता है। यहां रिएक्शन देंगे हम लोग, यानी क्या करोगे, ये बात बोलेंगे क्या चीज की लोहा का निष्कर्षण लोहा के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट से किया जाता है। सर्वप्रथम हेमाटाइट अयस्क को निस्तापन की क्रिया कराकर शुष्क हेमाटाइट यानी सूखा हेमाटाइट अयस्क प्राप्त किया जाता है, मतलब जल उसमें से बाहर निकल जाएगा। तो निस्तापन की क्रिया का मतलब होता है, निस्तापन का मतलब होता है सिंबल ऑफ हीट गर्म किया। तो यहां से जल बाहर हो जाएगा मुन्ना, वेपर बन करके उड़ जाएगा और तुम्हें शुष्क मिल जाएगा, क्या चीज जो चाहिए वो मिल गया, ये शुष्क हेमाटाइट अयस्क है। अब क्या करोगे, वही तो बात हो गई। गेहूं को पानी में धोते हो, धोकर सुखाते हो ताकि उसमें से पानी निकल जाए, तब कहां ले जाते हो, मिल में ले जाते हो। आटा चक्की जहां आटा गेहूं को पीस कर आटा बनाए तो उस वहां ले जाते हो, और ले जाकर पीस कर महीन चूर्ण बनवा कर आटा तैयार करते हो, है ना। तो वैसा ही बात ये हुआ कि जब तूने हेमाटाइट अयस्क को सूखा बना लिया, शुष्क यानी सुखा लिया, तो अब इसको क्या करो, पीस कर महीन चूर्ण बनाओ। समझ में आ रहा है, इसे क्या करो, पीस कर बारीक महीन चूर्ण बना लो, और तब पीस कर मान लो किसी भी मिल में ले जाकर के, थ्रेसर में जैसे भी ले जाकर के, इसको मैं पीस कर क्या किया, महीन बारीक चूर्ण बना दिया, और इस चूर्ण में हम क्या करेंगे, अलग से दो तीन सब्सटेंस को मिलाएंगे। अब कहोगे सर क्या क्या, ये देखो दो कम से कम यहां तीन चीज है, एक वो है SiO2, बताओ ये क्या है, इसको बोलते हो मुन्ना बालू सिलिका। फिर क्या मिलाओगे, कोक कार्बन, जिसको बोलते हो कोक, अपचायक का काम करेगा। और फिर क्या मिलाओगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और यही जाकर भट्टी में टूटकर CaO में बदलेगा। हाँ, बदल कर तुम्हें धातु मल का निर्माण करेगा, फ्लक्स का काम करता है CaO। समझ में आ रहा है मेरा बात, फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, बिल्कुल प्रेम से निष्ठा के साथ समझो, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगी, लंबा नहीं देखना है, 5 नंबर बटोरना हमें, है ना। तो देखो सबसे पहले यही बोलेंगे कि लोहा के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित होते हैं, समझ में आ गया होगा। अब यहां कौन कौन है, तो बोलेंगे हेमाटाइट या हेमाटाइट, Fe2O3.2H2O, मैग्नेटाइट Fe3O4 और सीडेराइट Fe3CO3। अब ये बात बोलना पड़ेगा हम लोग को कि लोहा का निष्कर्षण लोहा के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट से किया जाता है। सर्वप्रथम हेमाटाइट अयस्क
सर्वप्रथम हेमाटाइट अयस्क को निस्तापन की क्रिया कराई जाती है, जिसके फल स्वरूप शुष्क हेमाटाइट अयस्क प्राप्त हो जाता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम हेमाटाइट अयस्क को निस्तापन की क्रिया कराकर शुद्ध, यानी शुद्ध मत कहो शुष्क, शुष्क मतलब सूखा हुआ, ड्राई, क्या चीज, हेमाटाइट अयस्क प्राप्त करते हैं, कर लेते हैं। अब क्या करोगे, ये प्राप्त यानी शुष्क हेमाटाइट अयस्क को यानी सांद्रित अयस्क को क्या करते हो, पीस कर महीन चूर्ण बनाते हो, और पीसे हुए महीन चूर्ण में सिलिका, बालू, कोक और चूना पत्थर, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट मिश्रित कर मिश्रण को वात्या भट्टी में ऊपर से नीचे डालते हैं, जिसके फल स्वरूप वात्य भट्टी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। फिर से एक बार, सबसे पहले बोलेंगे कि लोहा के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं, डस देंगे, लिखेंगे कि हेमाटाइट Fe3O3.2H2O, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3। क्लियर हो गई होगी। अब ये बोलना होगा कि लोहा का निष्कर्षण लोहा के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट से किया जाता है। लिखेंगे सर्वप्रथम हेमाटाइट अयस्क को निस्तापन की क्रिया कराकर शुष्क हेमाटाइट यानी सूखा हेमाटाइट अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ गया? फिर क्या लिखेंगे, शुष्क हेमाटाइट अयस्क के क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण में, क्या फिर से मिला लो, क्या बोले, शुष्क हेमाटाइट अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण में चूना पत्थर, कोक, सॉरी माफ करना, सिलिका, कोक, चूना पत्थर मिश्रित कर मिश्रण को वात्य भट्टी में ऊपर से नीचे की ओर डालते हैं, जिसके फल स्वरूप वात्य भट्टी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। अब अभिक्रिया क्या होती है, तो पहले वात्य भट्टी मेरे को दिखाना पड़ेगा कि ब्लास्ट फर्नेस होता क्या चीज है, ब्लास्ट फर्नेस होता क्या चीज है, ये मेरे को दिखाना पड़ेगा कि वात्य भट्टी है क्या। ठीक है, अब फिगर मैं बना लेता हूं, तब उसके बाद फिर समझाएंगे उसके अगले स्टेप। इतना समझ गए होंगे, अगला 4 स्टेप पूरा करना है, 5 स्टेप वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं, मिटाते हैं, ठीक ना, देखिएगा, हटाता हूं इसको और क्वेश्चन आप लोगों के साथ ही रहेगा, पास में ही रहेगा। ध्यान देने वाली बात होगी, याद रखेंगे ये बातें। देखिएगा क्या करता हूं, बहुत आसानी से आप लोगों को निष्कर्षण याद हो जाएगा, और इससे इतनी मजेदार टॉपिक उम्मीद भी नहीं किए होंगे, और जब 10th में पढ़े होंगे जरूर फीलिंग कर लिए होंगे, कर लीजिएगा कि क्या इजी है या हार्ड है, कैसा मैं बता रहा हूँ ये फीलिंग कर लेंगे आप लोग ही। देखिए, पहले ऐसे कर्व खींच करके इसको फिर ऐसे फोल्ड किया जाएगा, पतला थोड़ा सा बनाया जाएगा इसके, है ना, इसी प्रकार से होता है, मैं भी वही कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर, यहाँ वायु की झोंका प्रवाहित करेगा, एंट्री मारेगा ऑक्सीजन या वायु, और यहाँ यहाँ से कुछ गैस निकलता है, निकासी गैस, मैं बताऊंगा आप लोगों को। और फिर जब ऐसे ये स्तंभ खड़ा होता है इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो होता है एक खाली जगह होता है,
वो मलबे को निकलने के लिए धातु मल को, यहाँ जो होता है ठोस अपशिष्ट पदार्थ निकलने के लिए स्पेस दिया जाता है, और एक स्पेस यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पेंदी में होता है जो लोहा को निकलने में मदद करता है। यहाँ से लोहा निकलता है, द्रव लोहा प्राप्त करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ अपशिष्ट पदार्थ के लिए स्पेस है, और यहाँ जो है आपका धातु मल, तो यहाँ धातु मल को निकलने के लिए ऐसे स्पेस जगह दिया जाए इस प्रकार से। यही है ब्लास्ट फर्नेस। ये क्या है? ब्लास्ट फर्नेस। थोड़ी सी इसको और मेरे को थोड़ा सा ले लेते हैं ऐसे करके, रुक जाइए, वेट कर लीजिए, थोड़ा सा क्लियर आप लोगों को हो जाए। थोड़ा सा ये बड़ा है तो इसको भी खींच कर छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा फिगर के लिए बात करें तो आप लोग ऑलरेडी खींच रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ हाथ से, तो आप लोग अब सोचिए किताब की तरह बुक की तरह हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं ये जानता हूँ। फिर भी आप लोग कोशिश करेंगे बेहतर बनाने के लिए, ठीक ना, बेहतर बनाने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर हम बनाएं फिगर, जिससे कि आप लोग और अच्छा कर सके, अच्छा लगे देखने में आप लोगों को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, वेट कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। नई फिगर बनाएंगे तो फिर आप लोग ही कहेंगे कि सर ये फिगर नहीं बना रहे हो, कैसे होगा, फिगर हम कहाँ से बनाएं, तो इसलिए मुझे फिगर बनाने की बहुत ये नेसेसरी है कि मैं बनाऊंगा ही। ये क्लिप टाइप पे है, ये खुलेगा निकलेगा ताकि इसमें एंट्री मारेगा ये, ठीक है ना। चलिए इधर से ये क्लंप लगी हुई है और यहाँ से उठाने और इसको उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं, इसमें ऐसे जाएगा इधर, ये नीचे जाएगा लेकिन ऊपर नहीं निकलेगा, ध्यान रखें, एक तरह का पिनअप की हुई है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये बता दूं इसकी ऊंचाई, ये वात्य भट्टी है। वात्य भट्टी की ऊंचाई जो होता है, वात्य भट्टी की ऊंचाई की बात करें, सबसे पहले ऊंचाई बताऊंगा, ऊंचाई जान लीजिए। ये ऊंचाई जो होता है 25 से 60 मीटर की होती है, 25 मीटर से कितना 60 मीटर की ऊंचाई तक होता है, ठीक है। और इसकी मोटाई बता दें, जैसे मोटाई की बात करें, ठीक ना, तो इसकी मोटाई भी जान लीजिए। इसकी मोटाई जो होता है यहीं पे लिख देता हूं कहीं, और यहां देखिए, तो मोटाई जो होता है ये भी जान लीजिए 8 से 10 मीटर होता है, मोटाई 8 से 10 मीटर। ये जो होता है, मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो ऊपर का लेयर जो होता है स्टील का बना होता है, स्टील या एल्युमिनियम का होता है, याद रखेंगे स्टील का, और अंदर वाला ये कोटेज, ये पार्ट देख रहे हैं जो ये, ठीक है, ये जो होता है अग्नि सह अस्तर बना होता है। अग्नि सह मतलब कि जिसका आग का यानी हीट का कोई प्रभाव ना पड़े, याद रखें। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के वस्त्र को पहनकर आग में कूद सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो वैसे ब्रिक्स से बने होते हैं, ईंट से बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है अस्तर, जो अग्नि सह अस्तर। तो ये अस्तर कैसा होता है? अग्नि सह अस्तर होता है,
ठीक ना, अग्नि सह अस्त्र होता है, ध्यान रखिएगा। अग्नि सह ये अस्त्र जो होता है किस चीज कैसा होता है, अग्नि सह होता है, तो यहां लिख देता हूं अग्नि सह अस्तर, अस्तर जो ईंट का होता है, ईंट का, ठीक है। आगे देखिएगा, अब यहां मैं बता दूं, यहां टेम्परेचर जो पेंदी में होता है, यहां इधर की टेम्परेचर की बात करें तो 2170 केल्विन होता है। फिर टेम्परेचर जो होता है बीच जोन में आइएगा तो 1570 केल्विन का होता है। फिर एक जोन में आइएगा तो 1270 केल्विन का होता है। और ये जोन जो सबसे ऊपर वाला ये जोन दिखाई दे रहा है 1070 केल्विन का होता है। सबकी कार्य अलग अलग है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, देखते जाइएगा। अब यहाँ जो होता है इसमें वायु के नीचे वाली ये अस्तर जो दिखाई दे रहा है, ये निकलने वाली अस्तर यहाँ तक, तो इसमें वायु के झोंका आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो होता है, यहाँ पर इस स्तर में ऐसे मैं एक लाइन डालता हूँ आप लोगों को कि ये जो होता है इसको धातु मल बोलते हो, धातु मल होता है, ये ऊपरे तैरते रहता हल्का होता है। इसके नीचे वाली स्तर ऐसे ऐसे करता हूँ, देखिएगा, ऐसे ऐसे स्तर करता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रेकिंग लगाता हूँ ऐसे करके, तो ये जो स्तर होता है यही अपशिष्ट पदार्थ होता है। अपशिष्ट ठोस पदार्थ की बात करेगा, ठोस होता है। और ये देखिएगा जो ये लेपित ऐसे करता हूँ, यही जो होता है कच्चा लोहा होता है, कच्चा लोहा, ये भी कैसा, तो द्रव अवस्था में याद रखें, कैसा द्रव होता है, ये निकलेगा बाहर। ये फिगर किस चीज़ का है ये भी जान लीजिएगा, ब्लास्ट फर्नेस, ये क्या है यानी कि वात्य भट्टी, वात्य भट्टी, भट्टी, क्लियर। और ये होल आप लोग जान गए, यहां से वायु प्रवाह करेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या वायु का झोंका, झोंका जाएगा हमें, यानी तीव्र गति से। यहां से निकलने वाला कौन है देखिए, यहां से कौन निकलेगा तो धातु मल निकलेगा, याद रखेंगे, यहां से कौन निकलेगा होल से, धातु मल, यहां से होल से कौन निकलेगा बताइए, तो अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। आप देखिए क्या होता है वात्य भट्टी में, यहां क्या निकलेगा, ये क्यों दिया हूं ये भी जान लीजिए, ये जो होता है आपको ये निष्कर्षित गैस निकलते हैं, वो कौन होते हैं भी बताते हैं, निष्कर्षित, निष्कर्षित गैस निकलते, और वो गैस कौन होते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एक होता है CO2 होता है, दो गो गैस इसमें से निकलता है, ठीक है। अब देखिएगा हर चीज लिख दिए, ये अस्तर बताइए दिए, और अग्नि सह, ये ऊपर स्टील का बाहर से और अंदर से अग्नि सह अस्तर होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें आप लोगों से तो ये कीप है कह सकते हैं, अंदर से डालिएगा और यहीं से मटेरियल को डाला जाता है, इसमें कौन कौन मटेरियल, तो देखिए अयस्क, कौन है अयस्क, हेमाटाइट, अयस्क प्लस कोक प्लस SiO2 प्लस CaCO3 का मिश्रण, का मिश्रण, का मिश्रण इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। अब इस पे समझाता हूं और फिगर वैसी रहेगा और इतने मैं लिखवाना प्रारंभ कर दूंगा, कोई दिक्कत, सुनते जाइएगा, फिगर आप लोग बना लेंगे, बुक से भी फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा। मैंने एक बार फिर से ऊपर से आता हूं, वैसे ही पहले बात ये बोलना चाहूंगा, फास्ट बोलूंगा कि लोहा के निष्कर्षण लोहा के प्रमुख अयस्क के हेमाटाइट से किया जाता है, ठीक है। और क्या ये बात बोलेंगे कि सर्वप्रथम हेमाटाइट अयस्क को निस्तापन की क्रिया द्वारा सांद्रित कर, सांद्रित कर यानी निस्तापन की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, सांद्रित कर शुष्क हेमाटाइट अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। तब क्या करते हैं, शुष्क हेमाटाइट अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण में
क्या करेंगे, कोक सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट मिश्रित कर मिश्रण को वात्य भट्टी में ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं, डालते हैं, जिसके फलस्वरूप वात्य भट्टी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। कौन कौन अभिक्रिया होती है, डैश देते हैं। नंबर एक सबसे पहले यह पेंदी में बात होता है, यहां से चालू होता है भट्टी में, यहां से काम चालू होता है। तो पहला रिएक्शन ये कहता है कि वात्य भट्टी के पेंदी में जहां तापमान पहला बात निम्नलिखित अभिक्रिया में पहला अभिक्रिया क्या कह रहा है कि वात्य भट्टी के पेंदी में जहां तापमान 2170 केल्विन होता है, वहां पर क्या कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर या ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर क्या करता है, CO2 गैस मुक्त करता है। क्या करता है बोलिए, CO2 गैस मुक्त करता है। और साथ में डेल्टा एच के मान भी कुछ, यहां से डेल्टा एच भी क्या करता है, डेल्टा एच यानी मतलब कैसा अभिक्रिया हो गया बोलिए, एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी। तो उष्माक्षेपी में एनर्जी निगेटिव होता है क्योंकि एनर्जी निकलता है, समझ गए क्या होता है, निकलता है। तो बात कहोगे सर ये बता दो कि एनर्जी इसका कितना होता है, एनर्जी के बारे में आप तो लिखा नहीं, ठीक है। तो मैं ये बता दूं 393 समथिंग होता है, हो कितना होता, 3 माइनस में लगा लीजिए क्योंकि ऊर्जा निकल रहा है ना, तो -393.5 किलो जूल ऊर्जा क्या करेगा, रिलीज करेगा। एक बार फिर से, वात्य भट्टी के पेंदी में जहां तापमान 2170 केल्विन होता है, वहां कोक ऑक्सीजन के उपस्थिति या वायु के उपस्थिति में संयोग कर या जलकर CO2 गैस मुक्त करता है। पॉइंट नंबर 2, ये रिएक्शन 1 हो गया पहला। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है वात्य भट्टी के मध्य में जहां तापमान 1570 केल्विन होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कोक से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसका मतलब कि CO2 गैस कोक से रिएक्शन करा तो क्या दिया हमें, CO गैस रिलीज कर दिया। कौन सी गैस, CO गैस। एमें डेल्टा एच, ये कैसा अभिक्रिया होगा, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, ये इंडोथर्मिक ऊर्जा को अवशोषण करेगा, ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो इसमें डेल्टा एच इसमें क्या होता, पॉजिटिव होता है। क्या होता, डेल्टा एच क्या होता बताओ मुन्ना, पॉजिटिव। अब कहोगे सर कितना होता है, तो देखो कोई बड़ी चीज नहीं मुन्ना, बहुत छोटे पार्ट में बताया था आप लोगों को। तो इसका होता है जो मान 163 किलो जूल होता है, ज्यादा नहीं होता है, क्या होता है यानी पॉजिटिव में मारोगे 163 किलो जूल, कभी कभी एक नंबरियम पूछ भी सकता है, ठीक है। अब तीसरा, फिर से दूसरा को, यानी वात्य भट्टी के पेंदी में जहां तापमान 1570 केल्विन होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऊपर की ओर भाग रहा है कोक नीचे आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कोक से अभिक्रिया कर CO गैस मुक्त करता है। और यहां डेल्टा एच का मान कितना एनर्जी देना पड़ता है, 163 किलो जूल एनर्जी देते तब अभिक्रिया संपन्न होती है। आगे मुना, नंबर 3 रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, अब देखो अब यहां होगा ये बातें कि अब कोक अभिक्रिया करेगा हेमाटाइट के चूर्ण से, अब करेगा कोक हेमाटाइट के चूर्ण से। तो बोलोगे यानी तीसरा में कि वात्य भट्टी में जहां तापमान 1270 केल्विन होता है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड हेमाटाइट अयस्क को लोहा में क्या अपचयित करता है, यानी कि हेमाटाइट का सूत्र हो गया Fe2O3 और क्या करेगा ये बोलो, CO से रिएक्शन करेगा तो देगा क्या, तो Fe देगा, क्या देगा Fe देगा, आप प्लस क्या देगा, CO2 गैस देगा। तो Fe कै गो है मुन्ना, 2 2 से गुणा कर लो, ये भी कैसा द्रव, याद करना द्रव लोहा देगा, कैसा लोहा देगा, तो द्रव लोहा देगा, ठीक है। अब बात कर लो यहाँ पे ऑक्सीजन 3, तो यहाँ मैं 3 से गुणा करता हूँ, तो कार्बन कितना हो गया, 3, 6 किया, तो यहाँ देखो ध्यान रखना, देखो क्या हुआ, बड़ा करता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा साफ दिखाई देने के लिए कर देता हूँ, देखिए क्या हुआ मुन्ना, ध्यान रखना, देखो क्या हुआ, यहाँ Fe 2 था, 2 किए,
ऑक्सीजन देख रहे 3 1 4 को हो रहा है, तो क्यों ना ऐसा करूं कि सम बना दूं। सम बनाए तो देखे 6, तो मैंने 3 से इसमें गुणा किया, देखा ऑक्सीजन 6 और कार्बन कितना हो गया 3। कोई दिक्कत किसी को? फिर से एक बार इस स्टेप को समझिए, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है चौथा, कि वाते भट्टी में जहां तापमान 1270 केल्विन होता है, वहां पर हेमाटाइट अयस्क कोक से कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस से अभिक्रिया कर द्रव लोहा प्रदान करता है, अपचयित होकर द्रव लोहा प्रदान करता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, अगली स्टेप ये रहा जो कि चौथा स्टेप आपका लास्ट स्टेप मुन्ना है, ऐसे दूंगा रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होता मुन्ना ये बता, कोई भी जैसे बालू गिरता है तो क्या सभी बालू को उस पृथ्वी से उठा लेते, उन्हें कुछ ना कुछ रह जाता है शेष, जैसे बर्तन जिस बर्तन में भोजन बनता है टोटल क्या उस बर्तन के भोजन खत्म करते हो, नहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, तो वही बात इसमें भी कुछ ना कुछ मात्राएं रह जाएगी हेमाटाइट के, ठीक है। तो यही बात बोला जाएगा अंत में कि वाते भट्टी के सबसे ऊपरी भाग जहां तापमान 1070 केल्विन होता है, वहां पर कोक शेष हेमाटाइट अयस्क से अभिक्रिया कर यानी क्या करता है, लोहा अवकरित करता है या अभिक्रिया कर लोहा अपचयित कर देता है। इसका मतलब कि हेमाटाइट अयस्क के शेष अमाउंट रहेगा और ये क्या करेगा, कोक से अभिक्रिया करेगा, मेरे को एफ ही देगा, अब प्लस क्या मुक्त करेगा ये भी जान लिया जाए, सी है ना ओ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कई गो ऑक्सीजन है, 3 गो, 3 से गुणा कर लीजिए, और देखिए कार्बन कितना हो गया 3 गो, 3 से गुणा कर लीजिए। फिर से एक बार स्टेप को समझने का प्रयत्न करें, एक बार समझाऊंगा फिर लिखवाना प्रारंभ करता हूं, ठीक है। मिलाइए जरा मुन्ना कैसे, देखिए लास्ट स्टेप यही था कि वात्य भट्टी के सबसे ऊपरी भाग में जहां तापमान 1070 केल्विन होता है, वहां पर क्या चीज, शेष हेमाटाइट अयस्क कोक द्वारा अपचयित होकर या कोक से अभिक्रिया कर हेमाटाइट अयस्क में अवकरित हो जाता है। बोलिए किसी को दिक्कत? एक बार एक स्टेप फॉलो कर लीजिए, मैं करने जो जा रहा हूँ, देखिएगा क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार पूरी डिटेल्स देता हूँ। सबसे पहले बताएंगे कि हेमाटाइट लोहा के निम्नलिखित अयस्क होते हैं, हेमाटाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट। लोहा के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट से किया जाता है। सर्वप्रथम हेमाटाइट अयस्क को निस्तापन की क्रिया द्वारा सांद्रित कर शुष्क हेमाटाइट अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। प्राप्त शुष्क सांद्रित हेमाटाइट अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण में क्या चीज, पीसे हुए महीन चूर्ण अयस्क में क्या करेंगे, कोक सिलिका बालू और कैल्शियम कार्बोनेट मिश्रित कर मिश्रण को वात्य भट्टी में ऊपर से नीचे डालते हैं, जिसके फलस्वरूप वात्य भट्टी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है, दस दे दिया जाएगा। पॉइंट वन, वात्य भट्टी के पेंदी में जहां तापमान 2170 केल्विन होता है, वहां पर कोक ऑक्सीजन से संयोग कर या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त करता है, ठीक है। यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है, इसलिए एनर्जी 393.5 किलो जूल मुक्त करता है, हो गया। अब देखिएगा आगे बोलेंगे, वात्य भट्टी के मध्य में जहां तापमान 1570 केल्विन होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कोक से अभिक्रिया कर क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त करता है, जिसमें कितना डेल्टा एच का मान प्लस 163 केजी जूल होता है। आई की बात करता हूं, अब ये बोलेंगे वात्य भट्टी में जहां तापमान 1270 केल्विन होता है, वहां पर हेमाटाइट अयस्क कोक से अभिक्रिया कर द्रव लोहा में अपचयित हो जाता है या अवकृत हो जाता है।
ठीक है, जहां एपी थ्री देखिए रिएक्शन दिखा दिया हूं ऑलरेडी आप लोग के सामने है। ठीक है, अब ये रहेगा क्या चीज, अब यहां वात्य भट्टी के सबसे ऊपरी भाग में जहां तापमान 1070 केल्विन होता है वहां पर क्या करेगा, यानी है शेष हेमाटाइट अयस्क, शेष हेमाटाइट अयस्क कार्बन से क्या करेगा, कार्बन से अभिक्रिया करके यानी क्या करता है, यानी द्रव लोहा को अपचयित करता है, अवकरित करता है। प्रिय बंधु समझ गए होंगे, ये फिगर को आप लोग क्या करना, इसी तरह से कॉपी के दाहिने साइड में बनाना। देखो मैं बताता हूँ ऐसा करना कि रिएक्शन पहले लिखना, निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है, उसके बाद इस फिगर को बनाना पूरा साफ, और तब उसके बाद अभिक्रिया पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर डायरेक्ट क्या करना, सबको लिखते जाना, क्योंकि मेरे पास भी स्पेस नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने वाला हूँ और तब मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को रिएक्शन आपके कॉपी पे ऑलरेडी रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, मिटाई से साफ करें, आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए अब लिखवाता हूँ, क्वेश्चन ऊपर ही है, अब हमें दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा गति में लिखवाते हैं आप लोगों को, क्योंकि अब टाइम व्यर्थ करने से कोई यहाँ नहीं मतलब रखते, क्योंकि बहुत जल्द ही फास्ट लिखवाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। चलिए लिखता हूँ उत्तर, लोहा के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं, बहुवचन याद रखेंगे, डैश नंबर वन, नंबर एक में लिखता हूं हेमेटाइट, सूत्र होगा Fe2O3.2H2O, मैग्नेटाइट यहां लिख देता हूं मैग्नेटाइट, इसको बोलते हो Fe3O4, अगला होगा तीसरा नंबर का सीडेराइट, सीडेराइट इसका होता है FeCO3, एक चौथा भी लिख लो आयरन पाइराइट, आयरन पायराइट इसको बोलते FeS। हो गया क्लियर, आगे बढ़ जाऊं, चलिए लिखिएगा, अब यहां से चालू करते हैं। लोहा का निष्कर्षण लोहा के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट से किया जाता है, हेमेटाइट से किया जाता है सर्वप्रथम हेमेटाइट अयस्क को, हेमेटाइट अयस्क को अयस्क को निस्तापन की क्रिया द्वारा सांद्रित कर शुष्क हेमेटाइट अयस्क
आईएस के प्राप्त कर लिया जाता है। यहाँ लिख रहा हूँ आप शुष्क हेमाटाइट आयस्क, शुष्क हेमाटाइट सांद्रित आयस्क, सांद्रित आयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण में कोक कोमा सिलिका SiO2 सिलिका एवं चूना पत्थर CaCO3 मिश्रण को वात भट्टी में ऊपर से नीचे की ओर डालते हैं, जिसके फलस्वरूप वात भट्टी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, यही देखिए, यहीं तक लिखकर जो फिगर स्क्रीनशॉट लिए थे बस इसके नीचे बनाना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे लिखवा सकूं, लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लिए होंगे, ऑफ कोर्स मिटा दें, मिटाता हूं, अब क्वेश्चन सहित मिटाऊंगा। ठीक है, चलिए चलिए अगली स्टेप की ओर बढ़ता हूँ। स्टेप जरा सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं, चुनते हैं, देखिए क्या चीज़। अगली स्टेप की ओर मूव करता हूँ। स्टेप वन, पहला अभिक्रिया क्या होता है, निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है ये देखा जाए। ठीक है, लिखता हूँ, वात भट्टी के पेंदी में जहां तापमान 2170 केल्विन होता है वहां कोक ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 गैस मुक्त करता है। ठीक है, और यह
यह ए यह अभिक्रिया और यह सॉरी माफ कीजिएगा और यह अभिक्रिया अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। रिएक्शन देखिएगा, यहाँ लिखा जाएगा सी, यहाँ सी प्लस ओ टू रिएक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा बताइए, तो देगा ये चीज सी ओ टू अब प्लस यहाँ पे डेल्टा एच ले लेते हैं तो डेल्टा एच इक्वल होगा माइनस 393.5 के जी जूल। अगला स्टेप ये रहा, वाते भट्टी के मध्य में जहाँ वाते भट्टी के मध्य में जहाँ तापमान 1570 केल्विन होता है वहाँ पर CO2 गैस कोक से संयोग कर CO गैस मुक्त करता है। यह अभिक्रिया क्या है भाई, यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। रिएक्शन देखिए, यही पर रिएक्शन देता हूँ, आप लोग नीचे भी देना अपना कॉपी देख करके, ठीक है, स्पेस मेरे पास है। तो CO2 प्लस सी इक्वल जाएगा कहाँ पे देख लो, तो CO में गया गैस निकल गया प्लस डेल्टा एच बराबर ले सकते हो प्लस 196 के जी जूल। ठीक है, अब यहाँ ले लो कार्बन कै को दिखाई, ऑक्सीजन दो करो, यहाँ दो से गुणा कर लो, बैलेंस हो गया। चले आगे ना तीसरी स्टेप वात्य भट्टी लिख देते हैं, वात्य भट्टी में जहां तापमान 1270 केल्विन होता है वहां पर हेमाटाइट Fe2O3, ठीक है, हेमाटाइट आयस्क क्या करेगा बोलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस से अभिक्रिया करके द्रव लोहा अपचयित करता है रिएक्शन देख लीजिए, Fe2O3 प्लस क्या लोगे बताओ, प्लस CO गैस को लोगे तो यहाँ पे जाएगा Fe प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी कि फेरस कै गो है, दो गो, एक बात मुन्ना, इधर ऑक्सीजन दो गो इधर तीन गो, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि इसको 6 गो कर देते हैं, 2 से गुणा कर देंगे काम हो जाएगा हम लोगों का, ठीक ना, तो इसको 3 से गुणा करते हैं और इसमें 3 से कर देते हैं कार्बन में, तो देखो 3 × 6 गो ऑक्सीजन, 3 गो कार्बन, 2 गो फेरस, और देखो 3 गो यहाँ क्या है, 3 गो ऑक्सीजन है, 3 गो कार्बन है, 3 गो यहाँ ऑक्सीजन, तो 3 × 3 = 6 ऑक्सीजन, यहाँ 3 गो कार्बन ऑलरेडी है और ये भी 2 गो, क्लियर हो गया। चले अगली स्टेप की ओर, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बंधु लो, जल्दी ले लो, ले लिए होंगे
मिटाता हूँ, अगली दो स्टेप है पूरा कर लेता हूँ, देखता हूँ पूरा होता है कि नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, चलिए सेकेंड लास्ट स्टेप, उसके बाद एक छोटी सी स्टेप आएगी, पूरा हो जाएगा। चलिए देखिएगा जरा, चलते हैं बातें करते। अगली स्टेप, तीसरी स्टेप था कि चौथी, तीसरी ये लिखना है मेरे को, चौथी लिखना है, चौथी लिखना है, चौथा स्टेप में लिखेंगे वात्य भट्टी के सबसे ऊपरी भाग में सबसे ऊपरी भाग में हेमाटाइट, आप चाहते के वर्ड है, रिड्यूसिंग कहता है, होकर द्रव लोहा ठीक है, प्रदान करता है। उठा ले, देखिए, तो शेष Fe2O3 ये लेफ्ट है, प्लस इसको कोक से अभिक्रिया कराओगे भाई तो मिलेगा तुम्हें Fe+, यहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेंगे, और बैलेंस कर लिया जाए, फेरस 2 गो है, 2 से गुणा किया, ऑक्सीजन 3 गो है तो ऑक्सीजन को 3 से गुणा करते हैं, तो कार्बन 3 गो हो गया, तो 3 से गुणा कर लो, बैलेंस रिएक्शन हो गई। ये कैसा भाई, तो ये द्रव लोहा है, याद रखना द्रव लोहा है। अब देखो, अब लिखते हैं लास्ट स्टेप, छठवीं है ये, पांचवी, प्राप्त द्रव लोहा को विभिन्न प्रकार के आकृति में सांचों द्वारा ढालकर भिन्न भिन्न प्रकार के यानी क्या चीज, कच्चा लोहा, यानी इसी को बोलते हो आरओटी, रॉट आयरन प्राप्त किया जाता है। बोलिए प्रिय बंधु, सबसे पहले द्रव लोहा आएगा, जिस टाइप की तुम ढालना चाहते हो प्लेट में, तो प्लेट जैसा सांचा लगा दो, रड ढालना चाहते हो तो रड जैसा सांचा लगा दो, ठीक है, जैसे ईटा बनाने वाली सांचा होती है उसी प्रकार से, और सांचों में भिन्न भिन्न आकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब मटेरियल को तुम कच्चे लोहा को बनाकर तैयार कर सकते हो, और तैयार करके अपन मार्केटिंग किया जाता है, उसको क्या कहते, विज्ञापन दे करके उसको क्या किया जाता है, यानी सेल कर दिया जाता है। यही मुना लोहा के निष्कर्षण है, और कल के, माफ़ कीजिएगा, एक इसके नेक्स्ट आने वाले वीडियो में फिर आने वाले हैं, बात करें तो आप लोग को डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ा देंगे, ताकि सोल्यूशन चैप्टर ख़त्म होने की कगार पर हो जाए, एक और दो लास्ट क्लास लेंगे, है ना, तो ये बताता हूँ डिग्री ऑफ क्या चीज़, एसोसिएशन यानी संयोजन की दर निकालने की बात करता, वियोजन की दर तो पिछले वीडियो में बता दिया, और तब उसके बाद इसमें एक चीज़ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्यों मिलाया गया, इसका विवरण दे दूंगा कि कैल्शियम कार्बोनेट वात्य भट्टी में क्यों डाला गया, SiO2 क्यों डाला गया, तो ये बताएंगे। तो वात्य भट्टी में कैल्शियम
कार्बोनेट का क्या कार्य होता है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को ऑलरेडी लिखवाएंगे, क्लियर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लास देंगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। एक बात मैं बताना चाहूंगा, इस साल संभावना भी व्यक्त मत कीजिए, उम्मीद नहीं है कि इस साल क्लास खुलेगा, एक बात को ध्यान रखिएगा, यूट्यूब ही आप लोगों का क्लास है, आप लोग पढ़ें, मन से पढ़ें। अगर बिहार में क्या एक अपनी स्थान प्राप्त करना है तो जमकर घर पे मेहनत कीजिए, जमकर कीजिए, अपने आप अपने कॉपी को टीचर मानिए और याद कीजिए, उसी समझिए, समझ गए, यही बात मैं बोलना चाहूँगा। आप लोग मस्ती से पढ़िए, कोई सिलेबस में अभी चेंजिंग बिहार बोर्ड में नहीं हुआ है, CBSE में चेंजिंग हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे बात को, ठीक है, जो भी आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए।